लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। देश में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों के लिए कुल 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में 11 अप्रैल को हुए चुनाव में जहां 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान हो चुका है, मतगणना 23 मई को होगी और दूसरे चरण में तमिलनाडु की सभी 39 में से 38 लोकसभा सीटों के साथ राज्य की 18 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा बिहार की 40 में से 5 और जम्मू कश्मीर की 6 में से 2, यूपी की 80 में से 8 और कर्नाटक की 28 में से 14, महाराष्ट्र की 48 में 10 और पश्चिम बंगाल की 42 में से 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। इस चरण में असम और साथ ही ओडिशा की 5-5 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरा दौर अब शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए और लोकसभा चुनाव 2019 का दूसरा दौर, दूसरे चरण के मतदान आज हैं।